भारत और गुजरात में खेलों के इतिहास का बहुत महत्व रहा है और खेलों के कई ऐतिहासिक दौर को जिन्होंने बहुत बारीकी से देखा है और 50 से भी अधिक सालों से जो स्पोर्ट्स कमेंटेटर रहे हैं, ऐसे सुधीर तलाटी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भारत और गुजरात के खेलों का इतिहास कैसा रहा और इतिहास से भविष्य का ये सफर कैसा रहेगा? आपको जानकर बहुत खुशी होगी, तो क्रिकेट तो है ही, जिसमें इतिहास बताता है कि रंजीत सिंह जी, दुलीप सिंह जी, जिन्होंने सारे विश्व में अपना नाम प्रसिद्ध किया है। उसके बाद हमारे पास चंदू बोर्डे जी थे। जब हम दूसरी स्पोर्ट्स के बारे में सोचते हैं तो इसी तरह से गीत सेठी है अभी बिलियर्ड्स और स्नूकर्स में, वहाँ भी सोनी कुल्तानी, रुपेश शाह और ध्वज हरिया जैसे खिलाड़ी भी हैं। पहली बार मैंने माइकल फेडरर को हराया 1982 जनवरी नेशनल्स में। वो अपनी थर्ड वर्ल्ड टाइटल जीत के डायरेक्टली चेन्नई आए। नेशनल चल रहा था, माल्टा में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, चेन्नई आए और उधर मैंने उनको नेशनल चैंपियनशिप में हराया 1982 जनवरी। उसके बाद जैसे होता है, एक यू नो एक वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, थोड़ा यू फील वेरी नाइस, थोड़ा उसके बाद दो तीन साल हारते गया और फिर फाइनली वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेमीफाइनल्स में मैंने इनको हराया और फाइनल में बॉब मार्शल को वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल 92 में मैंने जीता था इधर बॉम्बे में। तो आई थिंक अभी गुजरात में सडनली बिलियर्ड्स और स्नूकर का बहुत एक्सप्लोजन आया है लास्ट 10-20 साल में। बहुत सारे शूटर्स गुजरात ने दिए हैं, जैसे कि नानूभाई सूरती, उदयन चिनूभाई, और इन्होंने तो वो एक बैकबोन थे जिन्होंने शूटिंग स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया था। टेबल टेनिस का आप सोचें तो कमलेश मेहता है जो 8 साल तक नेशनल चैंपियन हो चुके हैं, और अभी भी हम बात करें तो हरमीत देसाई है। जितनी भी गेम्स खेली जाती है उसमें आप देखिए कि टेबल टेनिस का जो टेबल है आप अभी देख रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है 1.5 मीटर की है, और सामने से जो शॉट आता है आपके पास, उसको रिएक्ट करने के लिए, आपको रिफ्लेक्सेस दिखाने के लिए आपके पास सेकंड का 100वें भाग का टाइम होता है। तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग गेम। बात करें 2024 पेरिस ओलंपिक्स की, तो शरद कमल से लेके मानिका बत्रा से लेके गुजरात के हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, कई प्लेयर्स ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। पहले के जो प्लेयर्स थे स्टार्टिंग फ्रॉम 1975 में बहुत ही फेमस नाम फिगर हुआ करता था टेबल टेनिस में, सुकेतु व्यास, वो इंडिया रैंक प्लेयर थे। उसके बाद साथ ही साथ नीरज ओक थे, पथिक गोपानी थे, ये तीनों ही प्लेयर्स अहमदाबाद से थे। फिर आए मलय ठक्कर, फिर विमेंस के क्षेत्र में हसीना जाम जो सब जूनियर नेशनल चैंपियन रह चुकी हैं 80s और 90s के स्टार्टिंग के 80s के ईयर में। 2000 साल से राजाओं के इतिहास की, साम्राज्यों के इतिहास की बात की जाए तो घुड़सवारी आज भी गुजरात में सौराष्ट्र के काठियावाड़, झालावाड़, गोइलवाड़ के जो घोड़े हैं उनकी जो नस्ल है, पोलो की जो गेम आज हम लोग नेशनल में या इंटरनेशनल में खेलते हैं, वो गेम उस वक्त कई सैकड़ों साल से राजा महाराजाओं के बीच खेली जाती थी। तो ये गुजरात के स्पोर्ट्स का इतिहास है। When we are talking of athletics, we are naturally reminded of Neeraj Chopra. But friends, there is also one very interesting fact which I am going to narrate to you, and that is Razia Sheikh. Have you ever heard her name? She was the first woman or Indian athlete who crossed the barrier of 50 meter javelin throw, and she has had a very smooth and easy action. History dekhenge aap to Rajiv Gupta, Razia Sheikh, इसके बाद अपना डीके मालविया, इसके बाद अपने सरिता गायकवाड़, गावित मुरली, ये सब बच्चे और एथलेट गुजरात से इंटरनेशनल खेले हैं और अभी भी जूनियर में भी काफी बच्चे अच्छे हैं जो आगे अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे।